हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आईफोन XR यूज़र्स के लिए एक नया अपडेट एप्पल ने रोल आउट कर दिया है। ये अपडेट है iOS 18.0.1 का। सो गाइस, फाइनली मैंने भी इस अपडेट को इंस्टॉल करा है आईफोन XR पे। क्या कुछ नए चेंजेस, नए फीचर्स आने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अपडेट का साइज़ आप देख सकते हो। आईफोन XR पे आपको 246.5 मेगाबाइट रिसीव होने वाला है। अगर आप सभी भी iOS 18 के पुराने अपडेट को अपने डिवाइस पे यूज़ कर रहे थे तो यही सेम साइज़ आपको इस डिवाइस पे रिसीव होने वाला है। सो सबसे पहले चलते हैं अबाउट में, और iOS वर्जन आप देख सकते हो, इसमें आपको नया देखने को मिलेगा। और बिल्ड नंबर में भी चेंज आपको देखने को मिलने वाला है। पुराना बिल्ड नंबर 54 था लास्ट में, अब आपको नया बिल्ड नंबर 70 के साथ देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आईफोन की स्टोरेज को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो आईफोन की स्टोरेज 32 GB यूज़र रखी थी और यहाँ पर 31 GB यूज़र रखी है। थोड़ी सी फ्री स्पेस हुई है आईफोन XR पे, इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, फ़र्क इतना नहीं पड़ा है। और बाकी सिस्टम डेटा काफ़ी कम है। सो ये प्लस पॉइंट है आईफोन XR यूज़र्स के लिए। और आईफोन की स्टोरेज में कोई भी आपको बग्स देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे स्टोरेज को ओपन करोगे तो आपके सामने काफ़ी जल्दी कैलकुलेट हो जाएगी आपके डिवाइस की स्टोरेज। सो उसके बाद यहाँ पर बैटरी हेल्थ कितनी हो गई है अपडेट के बाद, तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं। 84% है, 84 से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करी है मेरे डिवाइस ने। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको बैटरी लेवल भी देखने को मिल जाएगा। एक दिन हो चुका है मुझे इस अपडेट को यूज़ करते हुए, और बैटरी बैकअप आई थिंक पुराने वाले अपडेट से थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा हुआ है। तो बाकी मैं आने वाले दिनों में कंप्लीट रिव्यू आपको प्रोवाइड करूँगा कि कैसा बैटरी बैकअप करंटली आईफोन XR पे देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पर बात करी जाए इस अपडेट के बारे में, ये 18.0.1 का इस अपडेट में एप्पल ने क्या कुछ फिक्स करा है। सो गाइस, यहाँ पर आईफोन XR की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़िया हो गई है, क्योंकि जो iOS 18 का अपडेट था, जो पुराना वाला था, उसमें काफ़ी कम यहाँ पर स्पीड देखने को मिलती थी। ऐप ओपनिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी मेरे को, लैगिंग इश्यूज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, और हीटिंग इशू भी काफ़ी ज़्यादा इस डिवाइस में मेरे को देखने को मिल जाता था। जब मैं सेटिंग्स को ओपन करता था तो ये जो आइकॉन्स आप देख रहे हो, ये कभी कभार लोड नहीं होते थे। तो ये इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं आईफोन XR पे फिक्स करे गए हैं, और परफॉर्मेंस में भी आपको बूस्ट देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। उसके बाद जो आपके मैसेजेस के एप्लीकेशन है उसमें भी कुछ इश्यूज़ को फिक्स करा गया है, और साथ में यहाँ पर दो इश्यूज़ आईफोन 16 को लेकर काफ़ी यूज़र्स को देखने को मिल रहे थे, जैसे कि कैमरा के एप्लीकेशन में मैक्रो मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे अल्ट्रा वाइड मोड में 4K विद HDR ऑफ जो इशू था वो उसको भी फिक्स करा गया है। कैमरा की एप्लीकेशन फ्रीज़ हो रही थी, और साथ में टच स्क्रीन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी आईफोन 16 में, उसको भी एप्पल ने फिक्स करा है। सो आपको आईफोन XR को इस अपडेट पे अपडेट करना चाहिए या नहीं? सो आई थिंक बिल्कुल अपडेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेबल अपडेट है और इसमें काफ़ी बग्स फिक्स करे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस, इसीलिए ये अपडेट ओनली बग फिक्सेस के लिए है, ताकि आपके डिवाइस में कोई भी बग्स हों तो उसको फिक्स करा जा सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।